आज ही हमने एक बहुत ही मजेदार मेथी की डिश तैयार की है दाल के साथ। माश की छिलकों वाली दाल है, उसके साथ हमने इसको तैयार किया है मेथी को। अगर रेसिपी पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ही हम अपनी तैयारी की तरफ चलते हैं, आपको बताते हैं कि हमने इसको किस तरह तैयार किया है। लेकिन आप इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से हंसते मुस्कुराते और खुश खुर्रम होंगे। सर्दियाँ शुरू होते ही जो सब्ज़ियाँ आनी शुरू हो जाती हैं वो हैं शलजम, पालक, साग, मेथी, जिसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार किया जाता है। तो मेथी भी आ गई है मार्केट में। वैसे तो सारा साल ही रहते हैं, सारी सब्ज़ियाँ रहती हैं, लेकिन जो मौसम की सब्ज़ी होती है उसको पकाने की और खाने की बात ही अलग होती है। उसका जायका जो है वो अपना ही होता है, और बेमौसमी सब्ज़ी का ना जायका होता है ना उसमें कोई हजाइयत होती है। तो मेथी आ गई है, तो आज जो मैं डिश बना रही हूँ मेथी की, तो वो है मेथी दाल। माश की काली दाल होती है जो छिलकों वाली, उससे मैं मेथी और दाल बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 3 गड्ढी मेथी ले ली थी, जिसको अच्छे तरीके से मैंने धोने के बाद जो है वो इस तरह बहुत सारी मिट्टी निकलती है, बड़े अच्छे तरीके से एहतियात के साथ धोना पड़ता है। तो मैंने इसको काट लिया है बारीक बारीक, और यहाँ पर ये जो है वो तैयार हो गई है मेथी कट के, जो कि बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो अब अगले मरहले जो हैं वो आसान है। मेथी दाल बनाना बहुत ही आसान है, बहुत मज़े की होती है, और इसको बनाना तरीका जो है इसके बनाने का वो बहुत सीधा सादा सा और बहुत ही आसान है। तो ये हो गई है 3 गड्ढी मेथी जो है वो तैयार हो गई है कट के, बहुत बारीक काटना होता है इसको। तो और इसके बाद जो है वो मैं बताती हूँ अभी अगला हमने क्या करना है काम। अच्छा जी, मेथी तो हो गई हमारी, अब हमें क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको बताती हूँ। हमें चाहिए माश की छिलकों वाली दाल, जो काली होती है दाल, एक तो सब्ज़ रंग की होती है, इसमें एक दाना सब्ज़ रंग का है, ये देखें ये वाला, ये नहीं, जो माश की छिलकों वाली काली दाल होती है वो हमें एक पाव चाहिए। ये हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर ली है, और मैंने अभी धोई नहीं है। मैंने धोने से पहले मैं आपको दिखाऊँगी कि ये दाल जो है इसके बारे में मैंने आपको बताना था, इसलिए मैंने धोई नहीं, ताकि आप इसको अच्छी तरीके से पहचान लें कि माश की काली छिलकों वाली दाल है। एक पाव ये ले ली है, 3 गड्ढी मैंने मेथी ले ली है, और ये बहुत ही सिंपल आसान सी रेसिपी है। इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं डलेंगी, कुछ ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डलेंगे। तो दाल होगी और मेथी होगी, और इसके अलावा हमने एक खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, और एक बिल्कुल छोटी सी प्याज, या बड़ी अगर है तो आधी प्याज आपने काट लेनी है। इसके अलावा जी जाएगा नमक, मिर्च और हल्दी, बस थोड़ी सी हल्दी हमने ले ली है, हसबे जायका हमने नमक लिया है। मैंने यहाँ पे 1 चाय का चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है, और 1 खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से नमक मिर्च को ले सकते हैं। अब जी मैं दाल को धो लेती हूँ अच्छे तरीके से। तो मैंने 2-3 पानियों में धो लिया है, देखें पानी साफ़ है, और मैंने इसको थोड़े से पानी में भिगो दिया है। और यहाँ मैंने डेक्ची में 1.5 गिलास पानी जो है वो डाल के रख दिया है। इसमें डालेंगे प्याज और लहसुन अदरक वाला पेस्ट, और नमक मिर्च और हल्दी, ये भी हम इसमें शामिल कर लेंगे, और इसको उबलने तक का इंतज़ार करेंगे पानी का। और एक बात और आपको मेंशन कर दूं कि आज सुबह से लाइट नहीं है, रात बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, और जिसकी वजह से लाइट नहीं है, और मैं जो है वो मोबाइल की रोशनी में जो वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा मसला भी हो रहा है। तो अभी हम पानी के उबलने का इंतज़ार करते हैं। पानी उबल गया है, अब हम इसमें दाल शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाथ से मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ बाद में। देखें दाल भी उबलना शुरू हो गई है, और अब हम यहाँ पर मेथी जो है वो शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम मेथी जो है वो हम इसमें डाल देंगे। बस हो गया हमारा काम, हमने मेथी डाल दी है, अब हम इसको ढक देते हैं। उबाल इसको वैसे ही आ रहा है, फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देते हैं, और इसको पकने देते हैं गलने तक। देखें जी 45 मिनट के बाद तकरीबन जो है हमारी दाल है बिल्कुल गल चुकी है, मेथी भी और दाल भी। फ्लेम हमने कर दिया है ऑफ़, और यहाँ पर हमने एक छोटी सी प्याज ले ली है, और बिल्कुल थोड़ी सी प्याज है, और हम यहाँ पर घी इस्तेमाल कर रहे हैं।
तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच हम इसमें घी डालते हैं। अब हम दाल को तड़का लगाएंगे। तकरीबन 6 से 7 खाने के चम्मच घी डाला है। वैसे घी जितना ज़्यादा डले उतना ही अच्छा लगता है। इसमें देसी घी का तड़का लगाएं, देसी घी के साथ दाल खाएं, मेथी दाल खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो यहाँ पर हम करेंगे प्याज को ब्राउन। एक बात और मैं आपको बता दूँ कि दाल का पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए मुकम्मल। ये देखें आप, दाल का पानी जो है वो मुकम्मल खुश्क है मेथी दाल का। ये देखें, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अब प्याज जो है वो हो चुकी है हमारी सुनहरी। और यहाँ पर हम एक चाय का चम्मच ज़ीरा इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़ीरा डाल देते हैं। फ्लेम अप कर देते हैं ऑफ, और इसको डालते हैं दाल में। और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन इतनी मज़ेदार है, जब आप बनाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो चलिए अब मैं इसको अच्छी तरह मिलाने के बाद डिश में निकाल के आपको बताती हूँ। लीजिए जी, बहुत ही मज़ेदार हमारी मेथी और माश की छिलकों वाली दाल जो है वो तैयार हो गई है। रेसिपी आपको कैसी लगी है? पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।